हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर क्यों नहीं मिल पाता, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मैंने उसमें एक रीज़न ये भी बताया था कि हमारी प्रोफाइल यानी कस्टमर प्रोफाइल, अगर आपने कस्टमर प्रोफाइल के अंदर किसी तरह कोई कमी कर दी है तो इसके चलते भी हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं मिल सकता है। जैसे कि अगर आपने जो है अकाउंट ओपन करते टाइम ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है, फिर फिल कर लिया है या फिर चूज़ कर लिया है, तो इसके चलते भी ऐसा हो सकता है कि हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर न मिले। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये एक रीज़न होता है कि आपको जो है इसके चलते क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलने में थोड़ा सा परेशानी आती है। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको जो स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट कर लिया, देखिए जब आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है तो बैंक को ऐसा तो मतलब हो गया कि आप जो कोई सैलरीड या फिर जो है कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नहीं है, आप एक स्टूडेंट, आपके पास कोई ऐसे रेगुलर इनकम होगी नहीं। तो आप जब स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो उसमें आप इनकम भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की कितनी इनकम हो सकती है, तो आप उसमें इनकम भी कम ही सेलेक्ट करते हैं। तो जिसके चलते जो है थोड़ा सा परेशानी आती है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलने में, मतलब कि ऐसे चांसेस वगैरह कम हो जाते हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल पाए। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं चूज़ करना है, नहीं फिल करना है, चाहे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करो या फिर ऑफलाइन, तो फॉर्म के अंदर फिल नहीं करना है, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो चूज़ नहीं करना है, सेलेक्ट वगैरह नहीं करना है स्टूडेंट। आपको जो है चूज़ करना है, अगर आप जो है जॉब वगैरह कर रहे हैं तो सैलरी चूज़ कर लीजिए। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कि डिजाइनेशन वगैरह, स्टेटस वगैरह और आपकी सैलरी वगैरह, तो आप फिल कर सकते हैं किस कंपनी में हैं आप, किस कंपनी में क्या जॉब कर रहे हैं, मतलब इस तरह से डिटेल्स वगैरह अगर आपसे मांगी जाए तो आप फिल कर सकते हैं, वो बेहतर होता है। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाए। या फिर अगर आप जो है सैलरीड नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे कमाने के लिए, तो उसके लिए जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी इनकम आप जो है ज़्यादा रखिए, मतलब कि कम से कम आप जो है अप टू 5 लाख रखिए, तभी आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर कि आपको अपना अकाउंट ओपन करते टाइम ही ये काम करना है कि आपको स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट करना है, ये मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। तो उस पर एक कमेंट आया था कि जब हमने जो है स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है और बाद में जब हम जो है जॉब वगैरह कर रहे हैं तो हम सैलरीड कैसे जो है हो जाएंगे, मतलब हमने एक बार जो है स्टूडेंट जब सेलेक्ट कर लिया है, फिल कर लिया है, उसके बाद जब हम जो है जॉब वगैरह कर रहे हों तो सैलरीड हम जो कैसे दोबारा से हो सकते हैं, वो तो जो एक बार हो गया वो हो गया। मैंने उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि आपको अकाउंट ओपन करते टाइम ऐसी गलती नहीं करनी है, ये मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। तो बहरहाल किसी ने कमेंट किया कि जब हमने एक बार जैसे कि सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे बाद में हम जो है जॉब करें या फिर जो है कोई बिजनेस करें तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। तो जैसे कि HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं और अपने ऑक्यूपेशन को जो है कैसे वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको अपने ऑक्यूपेशन बदलना हो तो आप कैसे बदल सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अलग अलग बैंकों का अलग अलग जो है सिस्टम होता है, तो सभी बैंकों को तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, बट हाँ HDFC बैंक में आमतौर पर लोग जो अकाउंट ओपन कराते हैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर पाने के लिए, तो HDFC बैंक का मैं बता सकता हूं, और हो सकता है कि फर्दर मैं आप लोगों को ICICI बैंक का भी बता दूं। तो चलिए अब हम जो अपने सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हम कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए आपको आना होता है HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में। HDFC बैंक की वेबसाइट पे विजिट करके लॉगिन पे आप क्लिक करिए, नेट बैंकिंग लॉगिन, इस तरह से आपको जो है नेट बैंकिंग में लॉगिन होना होता है। आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सब कुछ आपको पता होगा। तो चलिए कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग, मैं जो लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये सब ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा, मैं ऑलरेडी इस पर क्लिक किए हुए हूँ। तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आना है चेंज कस्टमर प्रोफाइल, आपको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और एडिट पे क्लिक कर देना होता है, और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं चाहूँ तो इसको बदल सकता हूँ। तो आप इस तरह से जो है अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सैलरीड अगर आप यहाँ पे चूज़ करते हैं, सैलरीड अगर आपने चूज़ कर लिया है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स इंटर करनी होती है, तो आप चाहें तो वो जो है डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पर जो चाहें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम के बारे में मैंने बताया था, तो इसको भी आप चाहे चेंज कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, जल्दी मैंने चेंज किया तो मैं इसको बार बार चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार चेंज करना, अपडेट करना भी ये सही नहीं होता है। तो ये तो खैर मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए, बताने के लिए कि इसको चेंज भी हम कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ जान गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बस अब जो है आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं और हम जो है लॉग आउट कर लेते हैं।
तो फटाफट से आप जो वीडियो कर बढ़ते हैं लॉगआउट करके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी आसानी से अपने ऑक्यूपेशन को वहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है। वैसे तो मैंने जो इसमें कुछ किया नहीं, मतलब सिर्फ आपको तरीका बता दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट वहाँ पे था तो मैंने उसको सेल्फ एम्प्लॉयड अभी जल्दी ही मैंने किया है, तभी मुझे बार बार उसको बदलना नहीं है, जो चल रहा है अभी मैं उसको वैसे ही चला रहा हूँ। आपको मैंने तरीका बता दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की मदद से। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने HDFC बैंक पे ही क्यों बनाया, मतलब ये मैंने वीडियो क्यों बनाया सिर्फ HDFC बैंक को लेकर के, मैं कस्टमर प्रोफाइल को कैसे चेंज करना है, मैं किसी दूसरे बैंक को भी तो जो है यहाँ पर ला सकता था, शामिल कर सकता था। तो बात ऐसी है कि कमेंट जो इसी बैंक से रिगार्डिंग था, तो मैंने सोचा कि चलो HDFC बैंक से ही जो है रिलेटेड जब कमेंट आया तो मैं जो इसी पे वीडियो बना दूँ। हाँ, तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।